एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी, बहुत खुश होंगी। और आज के लिप देख रहे, मैंने बाम लगाया है पर्पल का। मेरे समय कुछ दिनों से गले में बहुत ज़्यादा खराश थी हो रही है मेरे। और आप लोग कैसे हैं सब, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए मेरा एजास लग गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है किचन में, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा लगवा लें। काफ़ी दिन पहले लगवाना था पर लगवा नहीं पाए फिलहाल, बट अब लगवा लिए हैं। और लिप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बार मैं अभी आप लोगों से बात करती हूँ। तो सिस्टर का फ़ोन था तो मैं बात कर रही थी, मैं सोचा बात कर लूँ। और उसमें क्या शूट करूँ मैं बात करने पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर बड़ा हो जाता है। और अभी देख सकते हैं, अभी शाम का टाइम मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है शाम को। और आज सच बता रही हूँ, पूरा दिन मेरा इतनी बुरी हालत रही है आज, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत रही है। कल मतलब सिस्टर के गई थी, कल शाम को गई थी मिलने के लिए। और फिर उसके बाद ना ये हाल था मेरा कि मतलब चाय पिया मैंने, और वैसे मैं दो बार चाय पीती हूँ, मैं कल तीसरी चाय हो गई थी मेरी शाम को। और फिर उसमें क्या है ना, मैंने खस्ते कचौड़ी उस टाइप की आती है बहुत ही अच्छी नमकीन वाली, मतलब उसमें अंदर मसाला, वो मैंने दो खा लिया। और घर में आने के बाद ना मैंने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ एक गिलास दूध लेके सो गई थी मैं। और मतलब उसी की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई यार, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार खाई हूँ, वो पहले भी बहुत बार खा चुकी हूँ, पर इस समय पता नहीं क्या, जब से फीवर हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कुछ खाने पीने में, जल्दी मतलब ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं, मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ सीने में इतना भारी भारी सा लगे अंदर साइड की, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे नहीं कुछ फंस जाता हो गले में, या एसिडिटी सी नहीं हो जाती है, मतलब उस टाइप का हो रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई है मुझे पूरी रात। मैंने सुबह 3:30 बजे उठ के टहल रही थी, फिर उसके बाद सुबह उठी हूँ, नहाया किसी तरह से, और मतलब उल्टी करने की कोशिश करी, उल्टी भी नहीं हुई, थोड़ा बहुत मतलब ऐसी हुई पर सही से हुई नहीं। फिर उसके बाद ये समझ लीजिए नाश्ते में मुझे चाय बहुत पसंद है, बिना चाय के सुबह रह नहीं सकती। तब भी मैंने मन नहीं माना मेरा, मैंने थोड़ी सी पी, पर हाँ चाय मैंने ज़रूर पिया, थोड़ी सी चाय और हल्की सी नमकीन खाई थी, बिल्कुल थोड़ी सी, कुछ मन नहीं था खाने का। उसके बाद ये समझ लीजिए मैंने ना कुछ खाना खाया ना कुछ भी खाया, और बस खाना वाना बन चुका था। आज सोनम आई थी बनाने के लिए, 2-3 दिन से मैं खाना बनाई थी, तो वो कल शाम को आई थी बनाने के लिए, फिर आज सुबह आई है, और अभी शाम को वो नहीं है। उसके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है थी, और अभी उसको रिलीफ मिल गया है, पर वो डॉक्टर के पास अभी भी उसको दिखा रही, तो मैंने कहा बहुत ज़रूरी, बच्चों के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तो मैंने कहा तुम बेटे को दिखवा लो, तुम वो कल सुबह आ जाएगी कह रही थी। तो अब शाम का खाना बनाऊंगी। समझ लीजिए 2 दिन से मेरे बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा। मैंने आज जो वीडियो अपलोड किया था वो बहुत थोड़ा सा पुराना वीडियो था, जो मुझे एडिट करना था और बस अपलोड करना था। ये समझ लीजिए पूरा दिन मुझे मतलब इतनी चक्कर आते रहे, जानते जब खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो क्या होगा, और पूरा दिन पेट में इतनी प्रॉब्लम होती रही, और मतलब उल्टी मैंने काफ़ी कोशिश कर दी थी उल्टी करने की कि उल्टी हो जाए, और यहाँ सीने पे इतना दर्द बढ़ गया, मेरे पसलियों में इतना दर्द हो गया कि पूरा दिन लेटी रही, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती रही, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरा दिन बीमार हूँ। ये हाल था मेरा, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेकार दिन रहा मेरा। और जीजू की काफ़ी अब जो है उनको रिलीफ मिल गया है, और बहन के बेटे की जो तबीयत ख़राब थी, मैंने आप लोग बताया था अल्ट्रासाउंड उसका होना था। क्या है कि डॉक्टर ने कहा था कि मतलब उसका किडनी जो है थोड़ी बढ़ गई है, तो उसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया था उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से, जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया से। मुझे हम लोगों को बहुत खुशी हुई जब उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई है, तो सच में बहुत जो है ना दिल को तसल्ली हुई कि जो टेंशन थी हम सबको बंद कर दे बेटू, ठीक किया। तो देखना ज़्यादा बाहर ना जाना, ठीक है? बच्चे मेरे बाहर खेल रहे थे, मैं बस देखे रहती हूँ कि बाहर ज़्यादा सड़क पे ना जाए, क्योंकि मेन रोड पड़ जाती है ना, तो इसी वजह से। घर तो है यहाँ पे पर मेन रोड पड़ती है। तो अब जब से अल्ट्रासाउंड आया है डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नॉर्मल है, जो हम सोच रहे थे अंदाज़ा लगा रहे थे वैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बहुत हम सबको खुशी हुई। नहीं तो इतना छोटे बच्चे की अल्ट्रासाउंड, मेरे यहाँ कभी आज तक किसी का कभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और फिर मेरी बहन इतनी ज़्यादा परेशान थी पहले से, एक तो जीजू की तबीयत इतनी ख़राब, ऊपर से एक तो मैं भी उस लाइक की नहीं रह गई, सच कह रही हूँ, कि मैं जितना पहले काम करवा लेती थी, हेल्प करवा देती थी, अब मुझे बहुत अफसोस होता है इस चीज़ का कि मैं अब उस टाइप की रह नहीं गई हूँ, तो मैं उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। बट बस इतनी तसल्ली कि यहाँ से खाना भिजवा देती हूँ, कोशिश करती हूँ, और नाश्ता वगैरह तब भी उनको बनाना पड़ता है, क्योंकि इतना करना ही पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि जिसको सुबह जो है दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह जो है ना सब खानी पड़ती है, तो उनको इतना करना ही पड़ेगा फिलहाल। और बाकी सब जो है धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगी। बेटे की जो है 2 ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो
आ जाएगी कुछ दिन बाद मुझे, मतलब ना थोड़ी थोड़ी में डकार सी आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे नहीं एसिडिटी सी बन जाती है उस टाइप की आ रही है। समझ लीजिए पूरा दिन बिना खाए रही हूँ और मुझे ना चाहे थोड़ा सा कुछ खिला दो, जैसे नहीं बैटरी लो हो जाती है। तो मेरे साथ सेम टू सेम सच बताऊँ तो बिल्कुल वैसे ही होता है, बैटरी लो हो जाती है चाहे कुछ भी खाऊँ। जैसे नमक ना खाऊँ ना तो इससे बीपी लो टाइप का हो जाता है। मैंने कॉम की थी शाम को और बाल मेरे इस समय ना बिल्कुल ड्राई ड्राई से हो गए, बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई से हो गए। तो मैंने भी एक ऑयल मंगवाया है, वो आप लोगों से शेयर करूँगी, आ जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं मेरा, आप लोग देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप। मैंने बेल्ट नहीं पहना है, बेल्ट बिना पहने जो है चलने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है आप एक हफ्ते एक घंटा मतलब जो है स्किप करिए बेल्ट को, फिर दूसरे हफ्ता दो घंटे इस तरह से बेल्ट की जो है बेल्ट को दे दे कोशिश करिए क्योंकि। और मैंने उनसे कहा था मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती बिना बेल्ट के, सच बता रही हूँ, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा था बेल्ट जगह बना लिया है, दर्द को एक जगह अगर वो कर लेगा ना तो बहुत आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये देखिए अभी मैंने पूरा अपनी अलमीरा सेट किया है, जैसे कि कुछ चीज़ें थी मुझे सेट करने के लिए तो मैंने पूरा सेट किया, आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, अभी मैंने कुछ जो है ना इसमें से लिप बाम निकाला था तो ये खुला हुआ रखा हुआ है, सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी, बहुत अच्छे स्पेस है। एंड ये वाली अगर बात करें तो इस बास्केट में आप देख सकते हैं मेरी ये छोटा सा जो है ना दो ये वो है सेल्फी स्टिक एंड प्लस कैमरा स्टैंड भी है, ये छोटू वाला स्टैंड कैमरा स्टैंड ये आप देख सकते हैं। और ये वाली बास्केट में चार्जर वगैरह, फेस मास्क, कैंची वगैरह सब कुछ रखी हुई है। एंड इस तरफ आएंगे ना आप तो मैंने ज़्यादा नहीं, ये इयरिंग्स मुझे अभी पड़ा मिला नीचे, सफाई कर रही थी तो मैंने उस समय दिखा नहीं मुझे, तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ रख दिए। ये बॉक्स में भी मेरे बहुत सारे ऑक्सीडाइज्ड इयरिंग्स वगैरह रखी हुई हैं। और ये आप देख रहे हैं मेरी जो है ना जो बाकी की लिपस्टिक्स हैं, इनमें ना बहुत सारी लिपस्टिक्स सच बताऊँ तो सूख गई हैं, जैसे ये वाली है ख़राब हो चुकी है। मैं समझ लो, ये समझ लीजिए मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरी ये हालत है। और वो मैंने डस्टिंग में डाल दिया क्योंकि वो बेकार हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो इसमें देख सकते हैं आप इतनी चीज़ें थी मुझे, ये बास्केट मैंने ऊपर से, मेरे पास बहुत सारे इस टाइप की बास्केट है। आप इस टाइप की ना बास्केट ऑर्गेनाइज़र के लिए आप, मेकअप है, ड्रेसिंग टेबल है, हर चीज़ में आप ना ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और ये प्योर होम वो है फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर है ये वाला। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरा टोनर वगैरह है, ये सारी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे। तो मुझे इस टाइप की रखना सच का बहुत पसंद है, मैं जिस टाइप का रखना चाहती हूँ उस टाइप का ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। और ये देख सकते हैं कपड़े सारे जो है ना लॉन्ड्री के धुलने के लिए रखे हुए हैं जो कि कल धुल जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप ये वाली बास्केट है ना, तो ये वाली बास्केट में ये देखिए ये कॉटन एंड ये वाइप्स रखे हुए हैं, वाइप्स के पैकेट। एंड देन जो ये इसमें देख रहे हैं आप अंदर जो आपको ब्राउन बॉक्स दिख रहा है ना, मैंने बहुत अच्छा जो है मंगवाया है प्रोडक्ट अमेजोन से, जो कि इसका बहुत जल्दी आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। अगर थर्ड में आएंगे तो ये देख सकते हैं आप मेरी सारी ज्वेलरी, सारी तो नहीं है बट जितनी आपको भी फ़िलहाल दिखा रही है जितनी मुझे ज़रूरत है नीचे मैंने उतनी रखी। सबसे नीचे भी कुछ चीज़ें मोबाइल बॉक्स वगैरह जो है वो रखे हुए हैं, बहुत सी जो मुझे ज़रूरत चीज़ें यूज़ होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखा है फ़िलहाल। अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिए। कुछ अगर चेंजेस करना है, बट क्या है ना कि चेंजेस मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे जिस टाइप का यहाँ पे कुछ सामान रखना होता है, गर्मी है यहाँ आप सभी जानते हैं, नीचे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो नीचे वीडियो शूट करने के लिए मैं कुछ मैंने अपनी अलमीरा जो है पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है फ़िलहाल। और ये वाली ड्रेसिंग का तो मैंने बहुत आप लोगों को जो है इसका पूरा रिव्यू भी दे चुकी हूँ मैं, और पूरा आपको इसका ऑर्गेनाइज़र मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, और बहुत ही अच्छे जो ऑर्गेनाइज़र उस टाइप का है। और ये वाली अलमीरा जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाली अलमीरा ये बच्चों वाली अलमीरा है जो कि इनकी सारी बुक्स, सारी स्टेशनरी, सारी चीज़ मतलब ऑल जितनी भी ज़रूरत पड़ती है। और फिलहाल अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तब जाके इतनी बुक्स हैं, और सेकेंड क्लास के बुक्स जो है हम लोगों ने मंगवा लिया था इस बार, तो जितनी मिल पाई है उतनी मिल गई थी सेकेंड क्लास की। और क्या है बेटी की है, बेटे की नहीं है क्लास जो मतलब बुक्स वगैरह किताबें, तो उस हिसाब से तब भी काफ़ी भरा हुआ है, बट पूरी प्रॉपर बुक्स जब आ जाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है आई थिंक कि ये कम पड़ जाएगी जगह, तो तब का तब देखा जाएगा, तब हम लोग कुछ और जो है देखते हैं, कुछ और करने की कोशिश करेंगे कि कुछ और जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कुछ और चीज़ें देखेंगे अगर कुछ लेना पड़ेगा। स्टडी टेबल मैं अभी लेना नहीं चाहती हूँ फिलहाल, और अभी शाम का टाइम है, 6 बज रहा है, 6:30 बेटू बाहर बैठने का मेरा मन नहीं है, मेरा टहलने का मन है। और सच कहूँ टहलने का मेरा बहुत मन करता है, आप लोगों को मैं सोचती कभी दिखाऊँ।
और बच्चे मेरे बुला रहे हैं मुझे बाहर, और मैं ना टहलने की कोशिश कर रही हूँ। शाम के टाइम मुझसे टहलना नहीं हो पाता, बाहर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ कार कहीं कुछ कहीं निकलना तो मुझे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग बुला रहे हैं बाहर, और क्या है वो लोग खेल रहे हैं, मैंने कहा टीवी बंद करो, बस खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतनी कुछ चीज़ें थी ब्लॉग में, सही से अपने वीडियोज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी आप लोगों से कहूँगी, क्योंकि आज तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई है आज मुझे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि मतलब इस समय हम लोगों ने कुछ दिनों में बहुत सी प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हमारे घर में। और बस ये है कि अब बस रक्षाबंधन आ रहा है, तो जैसा चाहती हूँ वैसा कुछ हो जाए, बस सारी सेलिब्रेशन जो हम लोग सोचते हैं उस टाइप का हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाला कप आप देख रहे हैं, मैं अपने ब्रदर के लिए लिया था, तो बेटू ने तोड़ दिया, उससे टूट गया था, गिर गया था। तो ये वाला जो है ना, इसमें उसने बेटी ने अपने क्रॉन्स वगैरह जो है ना रखे हुए, तो अच्छे भी लग रहा, अच्छा भी लग रहा। तो मैंने कहा फेंकने से अच्छा है कि उसमें दरार है, कुछ रख नहीं सकते, पानी वगैरह नहीं पी सकते, कॉफ़ी वगैरह कुछ पीने लायक का नहीं है। तो मैंने कहा अपने तुम क्रेयॉन्स रख लो, तो उसके लिए अच्छा लग रहा है, तो वो उसमें सारी चीज़ें जो है ना उसने रख दिया है। तो मैंने कहा सही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और बहुत से लोगों में बस कमेंट भी आ रहे थे बहुत से वीडियोज़ के लिए, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी आप लोगों से वीडियोज़ शेयर करने के। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग के साथ, और कोशिश करूँगी अपने वीडियोस कंटिन्यू करने के लिए। थोड़ा शोर सुनाई दे रहा होगा तो इग्नोर करिएगा, तो कोशिश करूँगी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो है आप लोगों से बहुत जल्द मिलने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।